चंबा के सलूनी उपमंडल की सलूनी लंगेरा सड़क पर चकुली में आई बाढ़ से हुए सड़क व मकान को नुकसान के बावजूद एक वर्ष बीतने के बाद भी लोक निर्माण विभाग डंगा लगाने में नाकाम रहा है, जिस कारण तीन परिवार आज भी डर के साए में जी रहे हैं। कई बार लोक निर्माण विभाग सहित प्रशासनिक उच्च अधिकारियों ने भी उक्त स्थान का मौका किया और हर बार आश्वासन दिया कि बहुत जल्द डंगा लगा दिया जाएगा, लेकिन दौरे व मौके तक ही बात सीमित रही है। बताते चले कि बीते एक वर्ष पहले अगस्त माह में ऊपरी क्षेत्र डांड में बादल फटने से आई बाढ़ के कारण चकुली में नाले का जलस्तर इतना बढ़ गया कि नाला पुल के ऊपर से बहने लगा, जिस कारण उसकी चपेट में सड़क व मकान आ गया और मकान का एक कमरा, उसमें रखा सामान नाले में बह गया था। वहीं पूरे मकान में दरारें आ गई हैं। मकान मालकिन निर्मला देवी ने बताया कि उक्त मकान में तीन परिवार रहते हैं, जो हर समय डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार लोक निर्माण विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों से सड़क को डंगा लगाने की गुहार लगा चुके हैं, मगर आज तक आश्वासनों के सिवा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने प्रशासन व लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि जल्द उनकी समस्या को हल किया जाए। सर, मेरा नाम निर्मला कुमारी है, पहुंच जाइए चकोली मैडम, मैं पढ़ती है। डंगे गए तो अब एक साल हो गया, 8 अगस्त को, तो कई बार आए अधिकारी भी, एक महीना पहले SDO साहब भी साथ में ही थे, तो उन्होंने बोला था कि ये भी जल्दी लग जाएगा डंगा, पर अभी तक मुझे लगता कि हमारी मांग तो यही है, हम अभी भी किसी के घर में रह रहे हैं, तो लग जाता ये भी तो ठीक था, इससे हमारा ये पूरा मकान डैमेज हो गया था, हमने दोबारा पैसे लगा कर ये मकान ठीक किया, तो फिर भी पानी आ रहा है, तो हमें तो डर ही लगता है ना, डर तो सबको ही लगता है अगर ऐसा हादसा हो जाए एक बार तो।